नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोए सर्वसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापिक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार का परिशिष्ट अधिकार 30 नंबर का नय है काल नय, और इसके बाद आएगा अकाल नहीं। तो दो बातें हैं इसमें कि एक तो जो काल नए और अकाल नए दो अलग अलग जीवों के नहीं होते हैं। पहली बात तो ये, एक ही जीव में दोनों नयों के दोनों धर्म हैं। मुक्ति की बात चलेगी ना कि काल नए से भी मुक्ति है और अकाल नए से भी मुक्ति है। तो एक तो कि दो जीवों के दो धर्म नहीं है, ये एक बात। और किसी समय काल नय से मुक्ति है और किसी समय काल नय से अकाल नय से मुक्ति है, तो ऐसा नहीं है। एक ही जीव के मुक्ति का कथन दो तरह से किया जाता है। जब काल लब्धि की ओर से विचार करते हैं तो मुक्ति काल लब्धि के अपने स्वकाल में हुई, ये कहा जाएगा। और जब काल लब्धि के अलावा जो बाकी के पांच समवाय हैं, स्वभाव पुरुषार्थ निमित्त और भवितव्य, जब इन चारों को एक रूप, इन चारों की ओर से जब मुक्ति का कथन किया जाएगा तब ये कहा जाएगा कि मुक्ति अकाल में हुई। अकाल का अर्थ काल के अलावा बाकी के चार समवाय का नाम यहां पर अकाल है। अकाल का मतलब असमय नहीं, समझ में आ गया नहीं आ गया? जो लोग अर्थ करते ना कि अकाल माने असमय में मुक्ति हो गई, तो ऐसा नहीं है, ये यहां पर कहेंगे। देखो उदाहरण बढ़िया दिया है कि आत्मद्रव्य काल नय से जिसकी सिद्धि समय पर आधार रखती है ऐसी है, ऐसा है। आत्मद्रव्य कैसा है कि जिसकी मुक्ति समय, समय का मतलब होता है काल लब्धि पर आधार रखती है, ऐसी है, ऐसा है। कैसा? तो उनने उदाहरण दिया कि गर्मी के दिनों के अनुसार पकने वाले आम्र फल की भांति, यानी काल नय से आत्मद्रव्य की सिद्धि समय पर आधार रखती है, गर्मी के दिनों के अनुसार पकने वाले आम की भांति। ये उदाहरण दिया है कि गर्मी में जैसे आम अपने आप पकता है, बिना पाल में दिए उसे वो अपने आप अपने समय में पकता है, उसी तरह काल नय से आत्मा की मुक्ति अपने काल में होती है, ये यहां पर चर्चा है। अभी देखिए जरा, आत्मद्रव्य काल नय से जिसकी सिद्धि समय पर आधार रखती है, ऐसा है। ग्रीष्म ऋतु में, ऋतु के दिवस अनुसार पकने वाले आम्र फल की भांति, मतलब क्या कि आत्मा की मुक्ति जिस समय होना है उसी समय होती है। क्या अलग अलग उसका ऐसा नहीं है कि मुक्ति होनी थी लेकिन जोरदार पुरुषार्थ किया तो होनी तो दो भव बाद में थी, लेकिन इस भव में जोरदार पुरुषार्थ किया ना, क्या तो मुक्ति पहले हो गई, दो भव पहले हो गई, एक भव पहले हो गई, कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसी समय होती है। ऐसा काल नय से ज्ञातव्य, माने काल नय से जानने में आने वाला आत्मा का एक धर्म है, ये एक धर्म। अभी दूसरे धर्म की भी चर्चा है, जिस काल में मुक्ति होती है उस काल भी वह पुरुषार्थ पूर्वक ही होती है, अकेली काल लब्धि नहीं है। समस्या क्या है कि जब काल की चर्चा चलती है तो लोग अकेले काल लब्धि को पकड़ लेते हैं, पुरुषार्थ की चर्चा चलेगी तो पुरुषार्थ का अतिरेक कर देंगे। भाई पुरुषार्थ करके भी काल लब्धि के पहले पर्याय नहीं लाई जा सकती, हाँ, और काल लब्धि में भी बिना पुरुषार्थ के पर्याय नहीं होती है ना। ऐसा नहीं कि कोई पुरुषार्थ करके पर्याय को जल्दी कर देगा,
अथवा काल लब्धि आएगी तब पर्याय होगी, पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। पांचों अगर अगर पांचों का बैलेंस समझ में आ जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, और जब बैलेंस समझ में नहीं आवे, भाई आप क्या है कि सब्जी सब्जी में नमक मिर्च जीरा धनिया हींग सबकी अगर लिमिट व्यवस्थित रूप से डली हो तो वो स्वादिष्ट लगती है, और नमक ज्यादा डल गया तो खारी लगेगी या लगेगी, उसमें क्या दिक्कत है। मिर्ची ज्यादा डल गई तो छरपरी लगेगी लगेगी, तो वो गलत है ना। क्या इसे इसे ये तो समझ की आवश्यकता क्यों है फिर, अगर ये इतना नहीं होता है। हाँ तो इतना वो ये होना होगा तब हो जाएगा। ये पांचों समवाय को लक्ष्य करके बोल रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं, और पांचों समवाय की उपेक्षा करके बोल रहे हैं तो एकांत है। जैसे राज देखो, जैसे मैं उदाहरण दूं, राजमल जी ने लिखा, पंडित राजमल जी पांडे और पंडित टोडरमल जी दोनों ज्ञानी, दोनों मोक्ष मार्गी, दोनों चतुर्गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि। अभी कलश टीका में पांडे राजमल जी बोलते हैं करोड़ों उपाय करने पर भी काल लब्धि के बिना जीव सम्यक तो उपजने के योग्य नहीं, एक। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। अभी क्या करें, इन दोनों पंडितों को एक एक डंडा दो, करके एक कमरे में बंद हो जाओ और एक दूसरे को ठोक लो पीट लो अच्छे से और नक्की कर लो। वो कह रहे कोटि उपाय करने पर भी, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब अरे पुरुषार्थ को उड़ा दिया उनने कि नहीं उड़ाया। दोनों ज्ञानी है, ज्ञानी के कथनों की विवक्षा भेद हो सकता है, ज्ञानी के कथनों में विवक्षा भेद हो सकता है लेकिन अभिप्राय भेद नहीं हो सकता। तो वो कह रहे कोटि उपाय करने पर भी, इसका मतलब क्या, अज्ञानी पुरुषार्थ के नाम पर कर्तत्व का कितना ही अहंकार करे, पुरुषार्थ नहीं है वो, पुरुषार्थ के नाम पर कर्तत्व का अहंकार है। कोटि उपाय, कोटि उपाय का मतलब वहां पुरुषार्थ नहीं, मतलब तू अपनी मति कल्पना से जो तूने माना वो करे, सम्यक्त होने का अधिकारी नहीं। क्यों, क्योंकि जब सम्यक्त होता है ना तो पांचवा समवाय की सन्निधि में वो होता है, एक मतलब जिस समय काल लब्धि है उसी समय पुरुषार्थ है, उसी समय भवितव्य है, उसी समय स्वभाव की सन्मुखता है, स्वभाव है, और उसी समय कर्म के उपशम का क्षोपशम का अथवा क्षय का स्वकाल है। और पंडित जी लिख रहे हैं कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, तो वो किस बात का ट्रीटमेंट दिया उनने, कि वो जो उनका जो शिष्य है वो क्या कहता है कि वो तो कर्म का उदय तो जब होना होगा तभी तो ऐसा होगा तभी तो होगा, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो उसको काल लब्धि के नाम पर प्रमाद का पोषण करना है, क्या करना है, काल लब्धि के नाम पर, काल लब्धि के नाम पर प्रमाद का पोषण करना है। उसे कहा पुरुषार्थ से ही होगी, और पुरुषार्थ के नाम पर कर्तत्व के अभिमान का पोषण करना है। उसे कहा तू कोटि उपाय कर ले, काल लब्धि के बिना नहीं होगी। तो अभी हमारा प्रश्न तो खड़ा रह गया कि काल लब्धि से होगी कि पुरुषार्थ से होगी, ये बताओ। वो ये तो वही तो कह रहे हैं कि भाई वो बीमार का ट्रीटमेंट है, उसको क्या बीमारी है कि पुरुषार्थ के नाम पर कर्तत्व का पोषण करना है। पुरुषार्थ से मैं अपनी पर्याय को चाहे जैसी कर सकता हूं, कि तू कितना पुरुषार्थ कर ले, स्वकाल लब्धि के बिना एक भी पर्याय इधर से उधर नहीं हो सकती। तो क्या हुआ, पुरुषार्थ निरर्थक है काल लब्धि, अरे काल लब्धि के अनुसार ही पुरुषार्थ होता है और पुरुषार्थ के अनुसार ही काल लब्धि होती है। ये एक दूसरे से ऐसे गुथे हुए हैं तो आप इनको अलग कर ही नहीं सकते। तो ना तो पुरुषार्थ के नाम पर कर्तापने का पोषण करना और ना काल लब्धि के नाम पर प्रमाद का सेवन करना, आ गया। इसलिए पंडित जी ने दोनों, एक पंडित जी ने कहा काल लब्धि के बिना, एक ने कहा पुरुषार्थ के बिना नहीं होगा, तो दोनों में अभिप्राय का अंतर नहीं है। सामने शिष्य की पात्रता देखी उनने कि ये कर्तत्व के अहंकार से भरा हुआ है, तो उन्होंने कह दिया काल लब्धि को मुख्य कर दिया, और ये प्रमाद में पड़ा हुआ है तो उनने पुरुषार्थ को मुख्य कर दिया।
और होता कैसे कार्य, कि कार्य होता है तो उस समय काल लब्धि भी होती है और उस समय पुरुषार्थ भी होता है। और पांचों समवाय, समवाय का मतलब क्या होता है कि एक साथ हो उसका नाम समवाय है, आगे पीछे नहीं होते ही। काल लब्धि पहले हो कि पुरुषार्थ पहले हो, कोई प्रश्न करे कि काल लब्धि पहले होती है कि पुरुषार्थ पहले होता है, कि दोनों साथ होते। अरे निमित्त भी उसी समय होता है, उसके पहले अकेली काल लब्धि पुरुषार्थ की बात थोड़ी। फिर निमित्त वाला कहेगा ठीक है तुम काल लब्धि भी तुम्हारी आ जाए पुरुषार्थ भी आ जाए, मैं नहीं आ रहा, जाओ। निमित्त ये कहे, कर्म का उपशम कहे, मैं नहीं हो रहा उपशम रूप, तुम करते रहो काल लब्धि और तुम्हारा पुरुषार्थ कितना करते रहो। ऐसा कभी नहीं होता, जिस समय उधर काल लब्धि है उसी समय पुरुषार्थ है, उसी समय भवितव्य है, उसी समय स्वभाव। मैंने देखो एक चीज और देखो कि स्वभाव त्रिकाल विद्यमान है ना, स्वभाव त्रिकाल विद्यमान है कि नहीं है, लेकिन स्वभाव समवाय त्रिकाल नहीं है। समझ में आएगी नहीं आई बात, क्या कहा? स्वभाव समवाय त्रिकाल नहीं है, समवाय संज्ञा उस स्वभाव को तब मिलेगी जिस समय वो कार्य हुआ। विवक्षित कार्य का स्वभाव समवाय उसी समय है, क्योंकि माना अभी समय दर्शन की पर्याय अभी हुई तो स्वभाव समवाय का स्वभाव उस त्रिकाली स्वभाव को स्वभाव समवाय संज्ञा अभी मिलेगी, इसके पहले नहीं मिलेगी। भले त्रिकाल हो कोई दिक्कत नहीं, समवाय कह रहे ना, तो समवाय का मतलब एक एक समवाय पहले से पड़ा हो और चार समवाय बाद में आए तो फिर आगे पीछे हो गए। तो जब एक समवाय को अगर ये छूट है कि तुम पहले आ जाओ हम बाद में आ जाएंगे, तो अन्य समवायों को ये छूट क्यों नहीं होगी? फिर काल लब्धि कहेगी मैं आती हूं पहले, पुरुषार्थ कहेगा मैं दो घंटे बाद, भवितव्य कहेगा मैं एक घंटे लेट, कर्म का उपशम कहेगा मैं अगले भव में, चिंता नहीं करो तुम, समय दर्शन कर लो, दर्शन भव का उदय तो रहेगा। कोई व्यवस्था नहीं बन पाएगी, इसलिए पांचों समवाय में स्वभाव समवाय संज्ञा उसको उस समय मिलेगी। समय दर्शन का कार्य हुआ मानो 8:01 पर कार्य हुआ, तो उसको 8:01 समय वो काल लब्धि, उसी समय सम्यक दर्शन रूप कार्य होना वो भवितव्य, उसी समय कर्म का उपशम, उसी समय स्व सन्मुक्ता का पुरुषार्थ, और उसी समय स्वभाव को स्वभाव समवाय संज्ञा आ गया। ऐसे पांच समवाय एक साथ होते हैं। क्या है, लोगों ने क्रमबद्ध पर्याय को वास्तव में पूरी तरह से समझा नहीं, और उन्होंने एकमात्र काल के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय को समझा कि ये तो खाली ये कहते हैं जिस काल में होना है वो होगा, आगे पीछे हो नहीं सकता, तुम कुछ कर नहीं सकते, वो नहीं है कहने का आशय वहां पर। अकेली क्रमबद्ध पर्याय में, प्रत्येक पर्याय में, किसी भी पर्याय में मात्र काल की सुनिश्चितता नहीं है, पांचों समवाय की सुनिश्चितता है। और वो भी इसलिए कि भाई ये एक एक समय की पर्याय इतनी स्वतंत्र और स्वाधीन है कि उस पर्याय के होने के पंच समवाय हर समय की पर्याय में होते हैं। भाई हर समय पर्याय हो रही ना, तो हर समय की पर्याय में पंच समवाय होते हैं। मोक्ष मार्गी की पर्याय होगी तो सम्यक पंच समवाय होंगे, और संसार मार्गी की पर्याय भी होगी तो वो भी बिना उल्टे पुरुषार्थ से ही तो होगी। भाई मोक्ष मार्गी की पर्याय सम्यक पुरुषार्थ पूर्वक, तो निगोद मार्गी की पर्याय कौन से पुरुषार्थ पूर्वक होगी? उन्दा पुरुषार्थ। अब अध्यात्म कहेगा कि उन्दे पुरुषार्थ को हम पुरुषार्थ क्या कहेंगे, तुम कुछ मत कहो, लेकिन वो है तो वीर गुण की पर्याय, ख्याल में आएगा नहीं है? तो अध्यात्म से, अध्यात्म की अपेक्षा से कोई मैंने कोई कथन करना अलग बात है। जैसे अभी बोलते हैं कि शक्ति का निर्मल प्रणमन, समय सार कहता है शक्ति का निर्मल प्रणमन, मलिनता की बात नहीं करेंगे हम, तो क्या मलिन प्रणमन नहीं होता क्या? मिथ्या दृष्टि को शक्तियां नहीं है, और शक्तियां नहीं है तो क्या उसका प्रणमन नहीं होता? लेकिन शक्तियां, लेकिन उसे हम शक्तियों का प्रणमन क्यों नहीं कहेंगे कि तुम्हें शक्ति का पता ही नहीं है ना? तो वो एक अलग विवक्षा है,
लेकिन उसका परिणमन होता ही नहीं था क्या जब तक, इसका मतलब यह हुआ कि जब तक अज्ञान रहेगा तब तक शक्तियों की पर्याय होगी नहीं। अब फिर समय दर्शन होने पर शक्तियों की पर्याय चालू होगी कि भाई ऐसा नहीं है। लेकिन उसको शक्ति का परिणमन क्यों नहीं कहते? क्योंकि विकार को आत्मा का परिणमन नहीं कहते। ये हमारे समयसार की शैली है, समझ में आ गया? तो वो विवक्षा संबंधी पड़ेगी ना, क्या ग्रंथकार का दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण के आधार पर हर कथन का अर्थ होता है। आगे यहां पर, तो यहां पर क्या कहा कि उस काल में भी वह पुरुषार्थ पूर्वक ही होती है, किंतु पुरुषार्थ से कथन न करके स्वकाल से मुक्ति हुई ऐसा काल नहीं से कहा जाता है। हां, स्वकाल से मुक्ति हुई इसलिए पुरुषार्थ उड़ जाता है, कहते ऐसा नहीं है। इसलिए गुरुदेव बोलते थे एक भी पर्याय में, क्रमबद्ध की एक भी पर्याय में बिना पुरुषार्थ कोई पर्याय नहीं होती। तो पुरुषार्थ उड़ता कहां है? अरे तू क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कर ले तो तेरी दृष्टि स्वभाव सन्मुख जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि यह पता लगेगा कि एक एक समय की पर्याय के पंच समवाय अनादि अनंत काल से नक्की है। काल नक्की है कहते ही, काल नक्की नहीं, अकेला पांचों समवाय नक्की है, सभी है वो। तो जिसको निगोद जाना है उसको कितना ही तुम समझाओ, समोसरण में ले जाके रख दो, वो उल्टा ही मानेगा। हाँ, और जिसके जिसको सुलटने का, जिसका क्रमबद्ध पर्याय में जिसको सुलटने का स्वकाल आया तो वो सातवें नरक में सुलट जाएगा। तीर्थंकर के समोसरण में नहीं सुलटा, और सुलटा तो कहां जाके सुलटा, सातवें नरक के भीषण प्रतिकूलता में। ख्याल में आगे नहीं आगे, तो उसमें क्या है? वो तो नक्की है पहले से। हाँ, पुरुषार्थ बल है। पुरुषार्थ का मतलब होता है बल, ताकत, एनर्जी, और भवितव्य माने होने योग्य हुआ, जो होना, जब जब ये काल लब्धि, जो ये भवितव्य, जब होना है तब हुआ ये काल लब्धि, और जो होना है वह हुआ, इसका नाम भवितव्य। दोनों विपरीत बातें नहीं कहते? नहीं, अगर जो होना है वो वही होना है तो फिर पुरुषार्थ का मतलब, पुरुषार्थ माने उस होने में भी बल तो चाहिए ना, होगा होगा, होने योग्य होगा, लेकिन बिना बल के तो नहीं होगा, बिना ताकत के तो नहीं होगा। तो वो उस पर्याय के होने की जो एनर्जी, लेकर ही आएगा वो पुरुषार्थ। माने क्या होता है, देखो ऐसा शक्तियों का जब चलेगा ना, एक शक्ति में अनंत शक्तियों का रूप होता है। तो मतलब क्या है कि अब वो जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ नाम की जो शक्ति है, तो अनंत गुणों की पर्यायों में बल बलदान ताकत, बल देने की ताकत उसका, वो वीर गुण की ताकत है, वो बल देता है उसमें, हर पर्याय को बल देता है। निमित्त है, अंतरंग निमित्त है, होगा निदेता है का मतलब भाषा बोली जाती है, निमित्त है वो, समझ आ गया नहीं? नहीं तो एक गुण दूसरे गुण को दे, फिर ये व्यवस्था होगी तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को दे, इसमें क्या तकलीफ हुई? लेकिन निमित्त की ओर से ये सब भाषा है। स्वकाल में मुक्ति हुई उसमें भी पुरुषार्थ तो साथ ही है, बराबर। जिस समय मुक्ति होना है उसी समय होती है, किंतु वह मुक्ति कहां से होती है ये बताओ, कहां से होती है? तो उन्होंने कहा द्रव्य में से होती है। इसलिए ऐसा निर्णय करने वाले का लक्ष्य अकेली मुक्ति की पर्याय पर नहीं रहता, किंतु पर्याय के आधारभूत द्रव्य पर उसकी दृष्टि जाती है कि क्या हुआ, ये मुक्ति की पर्याय हुई, अरे शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। उछलता का है शुद्ध पर्याय प्रकट हुई तो, कि ये तो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है और मैं तो अनादि अनंत शुद्धता का पिंड हूं, तुझे एक शुद्धता की पर्याय नहीं पची, तुझे शुद्धता का पिंड कैसे पचेगा? आलादित नहीं होता। क्या हुआ मोक्ष हुआ तो, जो था वो पर्याय में प्रकट हुआ ना, जो था वो प्रकट हुआ, स्वभाव था सो प्रकट हुआ, नया क्या हुआ उसमें? इस तरह उसे मुक्ति की पर्याय के प्रति भी अधिकता नहीं आती,
और द्रव्य स्वभाव की अधिकता कभी नहीं छूटती। क्यों नहीं छूटती? क्योंकि मुक्ति तो एक क्षण की शुद्धता है। कितने क्षण की शुद्धता है? और द्रव्य स्वभाव कैसा है? कि द्रव्य स्वभाव उस ऐसी ऐसी अनंत शुद्धता जिसमें से निकलती रहे, ऐसी अनंत शुद्धता का पिंड है। इसको यूं भी कह सकते हैं कि प्रत्येक समय की मुक्ति की पर्याय, सिद्ध दशा की पर्याय, द्रव्य स्वभाव की सामर्थ्य का अनंतवा भाग है। अब जैसे कोई आदमी अरबपति है ना, अरबपति को पांच का सिक्का मिला, अरबपति है, और अरबपति को क्या मिला? कि पांच का सिक्का मिला इनाम। वो होता है ना गुजरात में प्रभावना बढ़ती है ना, मंदिर में कोई कार्यक्रम होता है तो लोग प्रभावना बांटते हैं, बाद में तो कोई पांच का सिक्का, कोई दस का सिक्का, कुछ इनको चलता है हुआ। तो अब मान लो किसी अरबपति को पांच का या दस का सिक्का मिला तो कितना आह्लाद आता होगा उसको, आह्लाद आता है आह्लाद? और किसी भिखारी को आप दस का रुपया दे दो तो आपके पैर पकड़ेगा। तो आजकल का भिखारी 50 में पकड़ेगा मान लो, तो क्या है उसमें? अरे तुम किसकी बात करते हो, केवल ज्ञान हो गया तो क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया तो मुक्ति हो गई। क्या हो गया मुक्ति हो गई? तो मुक्ति का पिंड बैठा हूं। इस तरह उसको द्रव्य स्वभाव पर उसकी दृष्टि जाती है। देखो जिस काल में मुक्ति होना हो उस काल में होती है, ऐसा धर्म तो आत्मद्रव्य का है ना। किसका धर्म है? तो इस धर्म को देखने वाले की नजर कहां जाएगी? धर्म के ऊपर या जिसका धर्म है उसके ऊपर? आगे बात ये इतनी बात है। इसलिए आत्मद्रव्य पर जिसकी दृष्टि है वही इस धर्म का निर्णय कर सकता है। इसलिए इस निर्णय में मुक्ति का पुरुषार्थ आ ही जाता है। और मुक्ति का पुरुषार्थ क्या है? द्रव्य स्वभाव पर नजर गई, इसी का नाम मुक्ति का पुरुषार्थ है। देखो मुक्ति के लिए मुक्ति में कुछ नहीं करना। हम क्या करते हैं? हमारी सारी चालें उल्टी है। राग भगाना है तो क्या करते हैं? राग भगाने के लिए राग के पीछे पड़ते। क्या करते? राग भगाने के लिए राग के पीछे पड़ते हैं, और मुक्ति पाने के लिए मुक्ति के पीछे पड़ते हैं। समझा गया? क्या हुआ, क्या गलती हुई? कि राग भगाने के लिए कहां पड़ेंगे नरेंद्र जी? राग के पीछे भगाओ, राग को, राग को भगाओ, राग को भगाओ, विकल्प को मिटाओ, विकल्प को मिटाओ, विकल्प को मिटाओ। अरे भले आदमी, एक तो विकल्प था और एक विकल्प को मिटाओ, विकल्प को मिटाओ, विकल्प को मिटाओ, विकल्प को मिटाओ, ये नया तुमने और विकल्प खड़ा कर दिया। और दूसरा मुक्ति पाना है, मुक्ति 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 मुक्ति, तो किसके पीछे पड़ा ये? मुक्ति के पीछे पड़ा। और ध्यान देना, मुक्ति की पहली शर्त यह कि मुक्ति मुक्ति के पीछे पड़ने वालों को नहीं मिलती। और राग की यह कंडीशन है कि जो राग भगाना जाएगा, भगाने जाएगा राग को भगाने जाएगा, उसका राग डबल होगा। कैसे राग डबल होगा? कि एक तो राग है और एक मुझे राग भगाना है, ये नया राग और खड़ा किया ना, है ना। तो करना क्या फिर? कुछ नहीं, स्वभाव में राग नहीं है और स्वभाव मुक्त स्वरूप ही है। तो जहां ऐसे स्वभाव की नजर गई, ऐसे स्वभाव पर नजर गई, तो उसी समय राग की उत्पत्ति नहीं हुई, इसका नाम राग को भगाना। राग को भगाने का मतलब राग की उत्पत्ति ही नहीं होना, उसका प्रोडक्शन बंद हो गया। और मुक्ति का मतलब क्या है? कि ये निर्णय हुआ ना कि मैं तो मुक्त स्वरूप हूं, तो जिस पर्याय में यह निर्णय हुआ कि मैं मुक्त स्वरूप हूं वो पर्याय मुक्ति हो गई। वो पर्याय क्या नाम? उस पर्याय का नाम मुक्त पर्याय है। समय दर्शन हुआ ना, तो समय दर्शन होते ही दृष्टि मोक्ष हुआ, हुआ कि नहीं? पांच प्रकार के मोक्ष पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? शक्ति रूप मोक्ष, दृष्टि मोक्ष, मोह मुक्त मोक्ष, जीवन मुक्त मोक्ष और देह मुक्त मोक्ष। तो ये जो जो ये आगे है ना, मोह मुक्त मोक्ष, जीवन मुक्त मोक्ष और देह मुक्त मोक्ष, इनका नंबर कब आता है? कि पहले दृष्टि मोक्ष हो तब। और दृष्टि मोक्ष किसका नाम है? कि मुक्त स्वरूप की दृष्टि हो गई कि ये मैं हूं, इसका नाम दृष्टि मोक्ष है। सम्यक दर्शन हुआ ना, मिथ्यात्व से मुक्ति हो गई,
और मिथ्यात्व की मुक्ति तो कुछ लगती नहीं लोगों को, है ना, कि हो गया उसका तो काम पूरा हो गया, बाकी के बाकी फॉर्मेलिटी हो जाएगी। देखो क्या कहते हैं, आत्मद्रव्य पर जिसकी दृष्टि है कोमा लगाए, वही इस धर्म का निर्णय कर सकता है। इसलिए इस निर्णय में मुक्ति का पुरुषार्थ आ ही जाता है। अपनी मुक्ति पर्याय के काल को, अपनी मुक्ति पर्याय के काल को देखने वाला वास्तव में द्रव्य की ओर देखता है। क्यों देखता है द्रव्य की ओर? क्योंकि वो धर्म किसका है? काल धर्म, काल नए, काल धर्म, काल नए तो विषय करता है, धर्म का नाम काल धर्म, तो काल धर्म किसका है कि द्रव्य का, क्योंकि जिसकी सिद्धि समय पर आधारित है। ऐसा धर्म, किस धर्म का नाम क्या, क्या धर्म लिया, जिसकी सिद्धि समय पर आधारित है, ऐसा धर्म वो द्रव्य का है। द्रव्य की ओर देखा वही अपूर्व पुरुषार्थ है। अभी कौन सा पुरुषार्थ करना है? अरे आप पुरुषार्थ का तो, अरे तू द्रव्य की ओर देखा ना, अनादि काल से आज तक द्रव्य की ओर नहीं देखा था। जो काम तुमने अनंत काल में नहीं किया, बीते हुए अनंत काल में जो काम नहीं किया, कि वो काम हो गया, इससे बड़ा पुरुषार्थ कोई होता है? क्या पुरुषार्थ का मतलब क्या है? आगे पीछे करना, पर्याय के क्रम को बदलना, इसका नाम हम पुरुषार्थ मानते थे। पुरुषार्थ कहां है? मतलब कितना बल लगेगा कि सारी पर्यायों के क्रम को, चलो हम तो जानते नहीं, हमको तो विकल्प भी है, हम तो जानते नहीं, केवली भगवान तो सारी अपनी पर्यायों को भी जानते, अरिंत परमात्मा, और अनंत बल के धनी भी है। बोलो अपनी पर्याय के क्रम को बदलने आगे पीछे लिया मैं, अभी अनंत दशा में क्या कर रहे, इतने लंबे काल तक क्या करेंगे अनंत दशा में, पहले सिद्ध पर्याय को ला दे। क्या मतलब कि सारी पर्याय की उस व्यवस्था को जानने पर भी पर्याय के क्रम को बदलने का विकल्प भी न आवे, अभिप्राय नहीं हो, यह श्रद्धा का पुरुषार्थ। ध्यान से सुनना, पर्याय के क्रम को जाना, मान लिया, जान लिया कि भाई अपने अभी अपन कितने साल के, 50 साल के, 10 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, कि 60 साल के, 60 साल में क्या मिलती है कि सीनियर सिटीजन की सारी सुविधाएं मिलती है। देखिए 50 साल से 51 से 59 साल की उम्र को बाद में सेट करो और 60 वर्ष अभी ले आओ, है ना, कि सारी सुविधाएं तो मिले कम से कम, चलेगी व्यवस्था क्या है कि सारे इस क्रम को केवली भगवान जानते, नहीं हम नहीं जानते। अभी अपनी मान लो 50 साल की उम्र है तो 20 साल बाद कितने साल के होंगे, जानते नहीं जानते, कि वो जानने पर भी उसको बदलने का अभिप्राय नहीं होवे, ये श्रद्धा का पुरुषार्थ। उसको बदलने का विकल्प नहीं होवे, ये चारित्र का पुरुषार्थ। ज्ञानी को क्या होता है कि ज्ञानी को बदलने का अभिप्राय टूट गया, तो श्रद्धा में तो अनंत पुरुषार्थ आ गया, लेकिन अभी चारित्र के पुरुषार्थ की कमजोरी रहती है। तो चारित्र के पुरुषार्थ में क्या होता है कि चारित्र के पुरुषार्थ में यह जानते हुए भी कि पर्याय के क्रम को नहीं बदल सकता, ज्ञानी को भी इस तरह के विकल्प आ जाया करते हैं, लेकिन अज्ञानी के विकल्पों का लंबा जाल चलता है और ज्ञानियों के विकल्प की मर्यादा हो जाती है। क्यों मर्यादा हो जाती है? क्योंकि स्वभाव की दृष्टि चूक कर विकल्प नहीं आते। क्यों नहीं विकल्प आते? स्वभाव की दृष्टि चूक कर यदि विकल्प आवे तो वो अमर्यादित विकल्प होंगे, नहीं होती। श्रद्धा अपेक्षा से मुक्ति की उपेक्षा होती है, मुक्ति की पर्याय को आना हो। क्यों 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 जानता है कि मुक्ति आकर के मुझे पूरा नहीं करेगी, मैं पूर्ण हूं ऐसी स्वीकृति का नाम मुक्ति है। कि मुक्ति से आत्मा पूरा होगा या आत्मा पूरा है उसे देख देख करके पर्याय मुक्त होगी,
मुक्त रूप परिणति पर्याय की मुक्त रूप परिणति कब होगी? मुक्त स्वभाव को देख देख करके पर्याय मुक्त रूप परिणमेगी। समझ आ गया? मुक्ति की पर्याय आकर के आत्मा को पूर्ण नहीं करेगी, क्योंकि आत्मा पहले से पूर्ण है। इसलिए ज्ञानी को मुक्ति की भी उपेक्षा, कोई दिक्कत नहीं है, होगी हो जाएगी, नहीं होगी मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मैं तो अभी भी मुक्त स्वरूप ही हूं। और जहां जहां मुक्ति की ऐसी उपेक्षा होती है, वहीं मुक्ति दौड़ करके उसका वर्णन करती है। यह व्यवस्था है। पर्याय की उपेक्षा निर्मल पर्याय को लाती है। क्यों? क्योंकि अकेली पर्याय की उपेक्षा में नहीं खड़ा हो, पर्याय की उपेक्षा ये नास्ति, सच में वो द्रव्य की अपेक्षा, उसका नाम पर्याय की उपेक्षा। तो जो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा में खड़ा है, उसकी दृष्टि ज्ञान और अनुभूति में खड़ा है ना, मुक्ति तो उसके वर्ण करती है उसका। तो ज्ञानी को मुक्ति की कोई वो नहीं है, दास्ता नहीं है कि नहीं मेरे को तो मुक्ति चाहिए, अभी की अभी चाहिए, ऐसा थी होगी हो जाएगी द्रव्य। अरे मुक्त स्वरूप मिल गया ना मुझे, मुक्त स्वरूप मिल गया मुझे, इससे बड़ी मुक्ति कौन सी मिलेगी? क्यों दृष्टि में क्या आया? सोने की खान आ गई, अब सोने की खान मिल गई, अभी एक तोड़ा सोना है, अरे रे रे, आएगी ना उसकी महत्ता, आएगी आएगी, और आए तो क्या तू अभी खान के लायक नहीं है। आई बात समझ? बहुत अद्भुत बातें हैं, सामान्य बातें नहीं है। चलो ये हो गया। द्रव्य की ओर देखने वाले ने निमित्त विकार या पर्याय से दृष्टि उठा ली है तथा एक एक गुण के भेद पर भी उसकी दृष्टि नहीं है, ऐसी द्रव्य दृष्टि में ही क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय, नंबर एक स्वकाल का निर्णय, दो भेद ज्ञान, तीन मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ, चार केवली का निर्णय इत्यादि सब कुछ आ जाता है। क्रमबद्ध पर्याय को जितने हिस्सों से अपन बात करते हैं ना, केवली की ओर से फलाने 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 सब कि सबकी बात सब कुछ आ जाता है। काल नय का परमार्थ तात्पर्य भी यही है कि स्वद्रव्य की दृष्टि करना वह धर्म कहीं काल के आधार से नहीं है किंतु आत्मा के आधार से है, इसलिए मुक्ति के काल का निर्णय करने वाला काल की ओर नहीं किंतु आत्मा की ओर देखता है। शेष चर्चा कल कर।